वार्ड से चुनावी समर में उतरे प्रत्याशियों ने भी जनसंपर्क तेज कर दिया है। कांग्रेस और अन्य दलों के प्रत्याशियों के अलावा भाजपा के प्रत्याशी कमलेश अग्रवाल भी वार्ड मतदाताओं के बीच पहुंचकर वार्ड के विकास वायदों के साथ जनता से अपील कर रहे हैं। महाराजा अग्रसेन वार्ड से भाजपा के प्रत्याशी कमलेश अग्रवाल भी वार्ड भ्रमण कर मतदाताओं से मुलाकात कर उनसे वार्ड विकास के वायदे कर रहे हैं और शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने की भी बात कह रहे हैं। जनता से उन्होंने भाजपा सरकार के द्वारा कराए कार्यों और योजनाओं का हवाला देकर सही प्रत्याशी का चुनाव करने की अपील की है। निश्चित रूप से आज जिस प्रकार से जनता का हमें आशीर्वाद मिल रहा है और लगातार जनता की सोच ये है कि अब कहीं ना कहीं कुछ होगा और महाराजा अग्रसेन वार्ड का विकास होगा, क्योंकि हमने जहां भी हम पार्षद रहे अलग अलग तरीके से हमने विकास का काम किया है और आज जनता ने ठान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है और कांग्रेस कहीं भी हमारे बीच में नहीं आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास के काम किए निश्चित रूप से पूरे शहर में देखने लायक है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। नगरीय निकाय चुनाव के मतदान के लिए कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में विभिन्न राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी मतदाताओं तक पहुंचने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। गिरिराज किशोर कपूर वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी द्वारका मिश्रा भी क्षेत्र की जनता के बीच जाकर अपने पिछले कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों का हवाला देकर समर्थन मांग रहे हैं। गिरिराज किशोर कपूर वार्ड में भाजपा, कांग्रेस के अलावा शिवसेना, बीएसपी और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी पार्षद पद की दौड़ में हैं। हालांकि पूर्व पार्षद रह चुके द्वारका प्रसाद मिश्रा कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर वार्ड में लोगों से मुलाकात कर पिछले कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों का हवाला देकर अपने समर्थन में अपील कर रहे हैं। शक्तिनगर चौक, इंदिरा स्कूल रोड, पांडे चौक सहित अन्य क्षेत्रों में अपने समर्थकों के साथ जाकर उन्होंने मतदाताओं से मुलाकात की। हरिजन बस्ती जो हमारे यहाँ की सबसे स्लिम बस्ती है, वहाँ पे हमने जनसंपर्क किया। कोरोना काल में वहाँ पे गया, लोगों की सहायता करी। वो बार बार उसी घटना को याद दिलाते, भैया आप बहुत सहायता करते, लेकिन भैया ये खराब है, वो खराब है। प्रशासक जो 3 साल नगर निगम में रहा, उसने पूरे जबलपुर शहर का कबाड़ा कर दिया है। निश्चित रूप से ईश्वर हम लोगों को मौका देगा, जनता हमको मौका देगी, ये स्लिम बस्तियों के लिए और प्लेन एरिया के लिए जो अनियोजित विकास है नगर निगम का, उसका दंश पूरे शहर की जनता भोग रही है। हम सब मिलकर उसको ठीक करेंगे और प्रयास करेंगे कि जबलपुर शहर बहुत अच्छा। जबलपुर को महानगरों की श्रेणी में लाने के प्रण के साथ कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह अन्नू का जनसंपर्क अभियान तेज हो गया है। अपने समर्थकों के साथ गोहलपुर, अमखेरा और आधारताल क्षेत्र में लोगों से मुलाकात की और जबलपुर को आदर्श एवं विकसित शहर बनाने का संकल्प लेकर मतदाताओं से मतदान करने की अपील की। उखरी रोड मकान में हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए कोतवाली पुलिस ने घर की नौकरानी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से चोरी के जेवरात और 76,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। उखरी रोड स्थित एक घर में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाली नौकरानी कोतवाली पुलिस के हत्थे चढ़ गई है। कोतवाली थाना प्रभारी अनिल गुप्ता ने बताया कि नौकरानी अंजलि से पूछताछ की गई तो उसने चोरी करना कबूल कर लिया और उसके घर की तलाशी लेने पर सोने चांदी के जेवरात और 76,000 रुपए नकद बरामद कर लिए गए हैं। 4,000 रुपए अंजलि ने खर्च कर दिए थे। कोरोना संक्रमण की रफ्तार में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। 240 सैंपलों की रिपोर्ट में से 7 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। वहीं 7 व्यक्तियों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया है। जिले में एक्टिव केसों की संख्या 40 हो गई है। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार अभी तक 21,08,818 सैंपलों की जांच की जा चुकी है, जिसमें से जिले में 67,575 लोगों को कोरोना संक्रमण हुआ था। वहीं कुल डिस्चार्ज हुए व्यक्तियों की संख्या 66,735 हो गई है। इसके अलावा इस बीमारी से कुल 800 लोगों की मौत हुई है। सेठ गोविंददास वार्ड में पार्षद पद की कुर्सी के लिए 10 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इनमें भाजपा, कांग्रेस, आप और शिवसेना सहित 6 निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं।
इधर भाजपा के प्रत्याशी संदीप शुक्ला भी वार्ड के मतदाताओं से संपर्क करके वार्ड में विकास की गंगा बहाने का हवाला देकर समर्थन मांग रहे हैं। सेठ गोविंददास वार्ड में चुनावी हलचल जोरों पर है। इसी बीच भाजपा प्रत्याशी संदीप शुक्ला भी जन समर्थन जुटाने वार्ड के अंतिम मतदाता तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ गोपाल होटल चौक और आसपास के क्षेत्रों में मतदाताओं के दरवाजे पर दस्तक दी और सभी से अपने मताधिकार का उपयोग करने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश का समूचा विकास, सर्वांगीण विकास करने का जिम्मा उठाया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश के लिए, देश के हित के लिए राजनीति करती है। मैं सेठ गोविंददास वार्ड से यदि विजयश्री मिलता है, और निश्चित तौर पर मुझे विजयश्री प्राप्त होगी, क्योंकि आज के जनसंपर्क से ये स्पष्टतः परिलक्षित है कि जनता का समर्थन मेरे पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी सबके साथ, सबके विकास के साथ जनता है, और जनता का भरपूर पुरजोर सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतेगी, निसंदेह क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आता जा रहा है, पार्षद प्रत्याशियों के जनसंपर्क की गति तेज होती जा रही है। वार्ड क्रमांक 42 सुभाष चंद्र बोस वार्ड भाजपा प्रत्याशी महेश राजपूत जन समर्थन जुटाने के लिए घर घर दस्तक दे रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस वार्ड से भाजपा पार्षद प्रत्याशी महेश सिंह राजपूत अपनी उपलब्धियों और जनसेवाओं के कार्यों का ब्यौरा लेकर घर घर दस्तक दे रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी ने संजय नगर क्षेत्र में जनसंपर्क करते हुए लोगों से वादा किया कि बेहतर वार्ड बनाने की हर संभव कोशिश की जाएगी। अम्बेडकर कॉलोनी, नेता कॉलोनी का बचा हुआ हिस्सा, और निर्भय नगर, कबीर कुटी और संजय नगर शंकर चौक, इतने एरियों में आज हमने सघन जनसंपर्क किया है। मैं आपके माध्यम से सभी मतदाता भाई बहनों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे 2004 से लेकर 2009 तक निरंतर मैंने लोगों के विकास के कार्य किए, ऐसे ही इससे दोगुनी ताकत से आने वाले समय में भी किसी को, मेरे किसी भी कृत्य से, किसी भी मतदाता को, किसी भी भाई बहन को मेरे किसी भी काम से सर नीचा नहीं करना पड़ेगा, ऐसा मैं वादा करता हूं। भाजपा पार्षद प्रत्याशी ने पूर्व में कराए गए कार्यों का ब्यौरा भी जनता के सामने रखा। महापौर पद के लिए चुनावी घमासान दिनों दिन तेज होता जा रहा है। चुनावी रणभूमि में उतरे 11 प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ मतदाताओं के पास पहुंच रहे हैं। इसी श्रृंखला में भारतीय जनता पार्टी से महापौर पद के उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने भी कांजघर चौक, गोपाल होटल चौक, झामनदास चौक समेत अन्य क्षेत्रों में जनता से मुलाकात की। महापौर पद के 11 प्रत्याशी भी अपने समर्थकों के साथ जनता के द्वार पहुंच रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने भी झंडा चौक, दुर्गा मंदिर, कांजघर, मयूर कला मंदिर, झा मोहल्ला, गोपाल होटल चौक, झामनदास चौक, सिंधी धर्मशाला, बाई का बगीचा क्षेत्र में जाकर जनता से मुलाकात की और जबलपुर के विकास प्रदान करके महानगरों में शुमार करने के समर्थन मांगा। जो लोगों का प्रतिसाद है, जो लोगों का प्यार है, जो लोगों का दुलार है, वो उमड़ा पड़ रहा है। मुझे लगता है कि प्रचंड मतों से हमारी जीत होगी। हमारा पार्षद प्रत्याशी भाई संदीप शुक्ला प्रचंड मतों से विजयी होंगे। ढोल नगाड़े के साथ समर्थकों की भीड़ लेकर जनता के बीच पहुंचे प्रत्याशी जनता की परेशानियों को दूर करने का वायदा कर रहे हैं। जनसेवा का संकल्प लेकर राजनीति में उतरी नारी शक्तियां जोश और उत्साह से जनता के पास पहुंचकर जीत का आशीर्वाद मांग रही हैं।
रानी लक्ष्मीबाई वार्ड से चुनाव मैदान में आई। सैनिक की पत्नी कांग्रेस प्रत्याशी लीजो जसेले ने भी पार्षद पद के उम्मीदवार के रूप में जनता की सेवा का संकल्प लेकर कार्य करने का दावा किया है। वहीं वार्ड की अन्य प्रत्याशी भी सघन जनसंपर्क में जुटी हुई है। रानी लक्ष्मीबाई वार्ड से कांग्रेस, भाजपा, बीएसपी और अन्य उम्मीदवार के रूप में खड़ी हुई नारी शक्तियां पूरे दमखम के साथ जनसंपर्क में जुटी हुई हैं। इधर कांग्रेस प्रत्याशी लीजो जसेले भी वार्ड में घूम घूम कर लोगों से मुलाकात कर रही हैं और उनकी समस्याएं सुनकर उनका निराकरण करने का वायदा भी कर रही हैं। सैनिक की पत्नी होने के नाते उन्होंने देश और जनता की सेवा करने का प्रण लेकर राजनीति में आने का दावा किया है। उन्होंने जनता से अपील की है कि अपने मतदान का उपयोग कर लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। आज हम लोग बिलहरी में नर्मदा नगर में जनसंपर्क में निकले हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है और बहुत अच्छे लोग सब सहयोग कर रहे हैं। यहाँ पर मैं एक भारतीय सैनिक की धर्मपत्नी हूँ और मेरे पति देश की सेवा करते हैं और मैं यहाँ पर समाज सेविका करती हूँ और यहाँ पर मेरे को बहुत अच्छा सहयोग भी प्राप्त मिल रहा है। आगे मैं अगर मुझे पद प्राप्त है तो मैं बहुत से अच्छे काम करके दिखाऊंगी। लोगों की परेशानियों को पे ध्यान में रख के सभी की परेशानियाँ दूर करूंगी। यहाँ जो कि लग रहा है लीजो जसेले जी पार्षद के लिए खड़ी हुई हैं, वो एक सैनिक की पत्नी है और उनको लोग सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। उनका काफ़ी अच्छा लग रहा है माहौल कि इस बार तो जीत उन्हीं की होगी। जनसंपर्क के दौरान ढोल धमाकों के साथ बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। शीतलामाई वार्ड में त्रिकोणीय मुकाबला है। भाजपा और कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी से भी महिला प्रत्याशी पार्षद पद की दौड़ में शामिल है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की पार्षद प्रत्याशी गौरी गंगा राजपूत वार्ड में विकास करने के वायदों के साथ मतदाताओं के बीच पहुंच रही हैं और पिछले 10 वर्षों से अधूरे पड़े विकास कार्यों को पूरा करके वार्ड की तस्वीर बदलने का भी हवाला देकर जनता से मतदान की अपील की जा रही है। वार्ड क्रमांक 45 शीतलामाई वार्ड से पार्षद पद के लिए 3 महिला प्रत्याशी दावेदार हैं और सभी सघन जनसंपर्क में जुटे हैं। वहीं भाजपा की प्रत्याशी गौरी गंगा योगेंद्र सिंह राजपूत भी जनता के दिलों में अपनी जगह बनाने के लिए उनके पास पहुंचकर शीतलामाई वार्ड को विकसित वार्ड बनाने का आश्वासन दे रहे हैं। उन्होंने जनता से कहा कि पिछले 10 वर्षों में जो कार्य नहीं हुए हैं उन्हें पूरा करना उनकी प्राथमिकताओं में शुमार है। क्षेत्र में व्याप्त अव्यवस्थाओं को दूर करने का हवाला देकर उन्होंने जनता से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। हम अभी शीतलामाई वार्ड में जनसंपर्क कर रहे हैं और यहाँ की जनता है जो उसका मुझे पूरा समर्थन मिल रहा है और समस्याओं पर भी चर्चा हो रही है। यहाँ पर समस्याओं का समाधान होगा। मैं यहाँ के लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूँगी और विकास के सारे कार्य करूंगी। योजनाओं पर भी योजनाओं का लाभ देंगे इनको। प्रधानमंत्री और शिवराज सिंह की योजनाएं इन तक पहुंचाना है जो अभी तक यहां नहीं पहुंची है विगत 10 वर्षों से। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतदान को लेकर शनिवार की रात बरगी के मुकनवारा गांव में जमकर हंगामा हुआ। ग्रामीणों ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और पुलिस पर लाठीचार्ज करने के आरोप भी लगाए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के निर्वाचन के लिए हुए मतदान और मतगणना के बीच बरगी के मुकनवारा गांव में शनिवार की रात ग्रामीणों ने मतदान में धांधली करने और जनता पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने के गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान क्षेत्र में तनाव और हंगामे की स्थिति बनी रही। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि निर्वाचन कार्य में तैनात कर्मचारियों द्वारा मत पेटी को ठीक ढंग से सील नहीं किया गया। जब ग्रामीणों ने विरोध दर्ज कराया तो उन पर लाठियां भांजी गई। हम लोग ये बोल रहे थे
कि भाई जो वहाँ पे अधिकारी है, निर्वाचन जो अधिकारी है, उसके द्वारा खुद अपने हाथों से वहाँ वोटिंग कराई जा रही थी। हम लोग के बोलने पर कि कहीं इनसे वोट नहीं बन रहा डालते, कहीं कुछ नहीं बन रहा, कोई अंधा है तो किसी से देखते नहीं बन रहा है, इस तरीके से वो बोल रहा था और अपने हाथ से वोटिंग करवा रहा था। हम लोग थे, हमने कहा दूसरा एजेंट हम नियुक्त कर रहे हैं, हमें बाहर जाना है। बोला आप जा सकते हैं पर दूसरा एजेंट नियुक्त नहीं हुआ। फिलहाल तो मुझे 1 किलोमीटर दौड़ाया गया पुलिस के माध्यम से। सबके मारा है, लड़की भी है, पूरे गाँव को घेर के मारा है और सभी बंधु हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद है। और इसमें जो आदमी गलत कर रहा है उसका हम विरोध कर रहे थे, और विरोध हम लड़के नहीं कर रहे थे, हम सच्चाई बोल के कर रहे थे। इसको हमें सुना, हमारा कोई भी सुनवाई वहाँ नहीं हो रही थी। और इसके बाद पुलिस के द्वारा भद्रता की गई और हमारे सारे लोगों को TI के द्वारा, पुलिस के द्वारा, सबके द्वारा, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के सारे लोगों पर, लड़कियों में, महिलाओं में, लड़कों में दौड़ा दौड़ा के घेराव करके उनको मारा गया और हमारे साथ अत्याचार हुआ। हम लोग तो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे थे और वहाँ बात रख रहे थे, पर हमारी बात नहीं सुनी गई और हमारे साथ लाठीचार्ज किया गया और हमारे बहुत से लोगों को चोट आई हुई है। देर रात तक इस मामले को लेकर गाँव में हंगामा मचा रहा। तनाव की स्थिति को देखते हुए क्षेत्र में भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया था। शहर के कई इलाकों में बिजली के खंभों पर लगी स्ट्रीट लाइटें दिन के वक्त भी जलती रहती हैं। इससे रोजाना बिजली बर्बाद हो रही है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। बिजली विभाग बिजली बचाव को लेकर तरह तरह के उपाय करता है, लेकिन बिजली बचाने की दिशा में कर्मचारी अधिकारी ही सजग और जागरूक नजर नहीं आ रहे हैं। शहर के कई इलाकों में बिजली के खंभों पर लगी स्ट्रीट लाइटें लापरवाही के कारण दिन के समय भी जलती रहती हैं। ऐसे में रोजाना सैकड़ों यूनिट बिजली बर्बाद हो रही है। बिजली विभाग बचाव को लेकर आम जनता को जागरूक करने का प्रयास करने के दावे करता है, लेकिन स्ट्रीट लाइट बंद और चालू करने का जिम्मा जिन अधिकारियों पर है, वो ही बिजली बचाने को लेकर सजग और जागरूक नजर नहीं आते। जनता से ही वसूला जाता है टैक्स के रूप में, और जनता को परेशान किया जाता बाद में कि आप टैक्स दो, बाकी करेंगे हम अपने मन से। तो हम लोगों का जो बिजली बिल है वो कम करें, या ये स्ट्रीट लाइट को निकाल करके हम लोग के घर पे लगा दें, कम से कम बिल बचे, तो हम लोग रात में उपयोग करें, दिन में ना करें। शहर में स्ट्रीट लाइटों को चालू और बंद करने के लिए बाकायदा कर्मचारियों को तैनात किया गया है। इसके बाद भी दिन में लाइट बंद को लेकर लापरवाही नजर आ रही है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।